अस्सलाम वालेकुम वेबर्स, आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाही, चिकन कोयला कढ़ाही। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत इजी रेसिपी है, होममेड मसालों से आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने होममेड, आपके पास अगर कढ़ाई मसाला है 1 टेबल स्पून वो लेना है, और 5-6 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, और 1 किलो के बराबर हमारे पास टमाटर है स्लाइसेस में कटे हुए, और 1 किलो ही हमने चिकन लिया है। 1 प्याली हम दही लेंगे। सबसे पहले ऑयल में हमने चिकन फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। चिकन जैसे ही हमारा फ्राई हो अच्छे से, फिर तमाम हम मसाले इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक शामिल किया हमने, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन के साथ ही, जब तक चिकन का पानी तमाम जो है खुश्क हो जाए। अब हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे सारे। हमने कढ़ाई मसाला शामिल किया है, आप किसी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपका होममेड बना हुआ है तो वो मिल जाएगा आपको जल्दी। हमारे डिस्क्रिप्शन पेज पे आपको ये मिल जाएगी इसकी वीडियो। साथ ही हमने सारे मसाले शामिल कर देने हैं, कसूरी मेथी भी हमने शामिल कर दी, नमक, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ी देर अच्छे से कुक होगा, उसके बाद ये हमने नमक शामिल किया। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं, इसको मिक्स करके अच्छे से 5 मिनट के लिए तकरीबन हमें इसे कवर करके पकाना है, ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, इसको हम कवर कर देंगे। पाँच मिनट बाद हम इसको खोलेंगे तो हमारे देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से गल भी चुके हैं। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे, इसको भूनेंगे थोड़ा सा। टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है अच्छे से, अब इसमें दही डाल देंगे हम। 1 प्याली दही हमने लेनी है। दही का पानी खुश्क होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के। कोयले का स्मोक देना है। हरी मिर्चें शामिल की हैं, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, साथ ही हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। और पहले हमने स्मोक दिया है कोयले का, इसके लीड को कवर किया है 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कोयला कढ़ाई। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे ज़रूर। मेरी वीडियोस को लाइक।